नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आलवी सिवित्री HSF के अंदर। देखिए, इस चैनल के अंदर मैंने 17.3 स्टार्ट कर रखी है, और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं 17.3 के, या फिर आप 17.1, 17.2, 17.3 के जो वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप इन सवालों को और ज़्यादा समझने के लिए, बढ़िया तरीके से समझने के लिए उन वीडियोज़ को पहले देख लीजिए। और आज का हमारा जो वीडियो है वो प्रत्यक्ष विधि वाला है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उसी क्लास को हम। देखिए, हाँ तो देखिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और इसमें बता रहा हूँ, हमारे पास माध्य ज्ञात करने की तीन विधियाँ होती है। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि, और तीसरी विधि होती है इसकी पद या पग विचलन विधि। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक सवाल समझाया था, उसके अंदर भी मैंने प्रत्यक्ष विधि यानी कल्पित माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि को मैंने समझाया था बहुत ही बढ़िया तरीके से, कि XI के मान कैसे ज्ञात करते हैं, FI हमें देगा, वर्ग अंतराल में देगा। तो आज उन्हीं सवालों को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और उन्हीं सवालों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यानी 17.3 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। सेम वही मेथड है जो उससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था। देखिए, इसके अंदर करना क्या होता है, हमें वर्ग अंतराल दे देगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा हमें निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, देखो बंटन सारणी, पूरी जो सारणी है इसको क्या बोला जाता है, बंटन सारणी। इसमें जो वर्ग अंतराल है वो कई भागों में बटे हुए रहते हैं। देखो, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, ये हमारे पास क्या है, वर्ग अंतराल। और इन वर्ग अंतरालों के अंदर जितने भी संख्या आंकड़े उनकी जो बारंबारता है उनका योगफल में दे रखा है, 0 से लेकर 6 तक का 6, फिर 6 से लेकर 12 तक का 8, फिर 12 से लेकर 18 तक का 10, फिर 18 से लेकर 24 तक का 9, और फिर 24 से लेकर 30 तक का 7, ये हमें सवाल में देगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछेगा वो, या आगे हमें क्या करना है, देखिए हम XI का मान निकालना है और FI का मान निकालना है। इन दोनों का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम XI के मान निकालेंगे, और XI के मान निकालने के लिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, इसमें बता रहा हूँ आपको, XI का मान निकालने के लिए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ा जाता है और उसमें 2 का भाग दिया जाता है। सूत्र क्या होता है XI ज्ञात करने का, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस उसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा बटे में 2, यानी निम्न सीमा 0 है हमारे पास और उच्च सीमा 6, इन दोनों को जोड़कर जब 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, 6 का आधा कितना हो गया, 3 आ जाएगा। फिर 12 और 6 कितना हो गया हमारे पास, 18, 18 का आधा कितना हो गया, 9 हो गया हमारे पास। फिर 12 और 18 कितना हो गया हमारे पास, 12 18 कितना हो गया, 30, 30 का आधा कितना होता है, 15, ये लीजिए। फिर 24 और 18 कितना हो गया हमारे पास, 42, 42 का आधा कितना हो गया, 21, ये लीजिए। फिर 24 और 30 कितना हो गया हमारे पास, 54, 54 का आधा कितना हो गया, 27, ये 27 लीजिए, ठीक है। और FI XI का मान, FI XI का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, FI और XI, ठीक है, इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, 6 3 कितना होता है, 18, ये 18। फिर 9 2 कितना होता है, 72, ये 72, और 15 को जब 10 से गुणा किया जाएगा, 150। फिर 21 को गुणा करेंगे 9 से, कितना आ जाएगा हमारे पास, गुणा करके देख लो, अगर पढ़ा नहीं आता है तो, 9 1 कम 9, 9 2 18, कितना आ गया हमारे पास, 189, यही आएगा क्या, हाँ। 7 7 कितना होता है, 49 49 का 9, हासिल के 4, 7 14 और 4 कितना हो गया, 18, ये भी 189 हो गया। दोबारा देख लीजिए, 7 को गुणा करेंगे 7 से 49 49 का 9, हासिल के 4, फिर 7 14 14 और 4 कितना होता है, 18, 189, ठीक है। फिर क्या करते हैं हमें, ये जो FI के मान हैं उन सबका योगफल ज्ञात करते हैं,
तो इन सबका योगफल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जोड़ते हैं, 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 और 10 हो गया कितना 26, 26 और 26 और 8 को जोड़ लीजिए, 26 और 8 कितना हो गया हमारे पास 34, 34 और 6 कितना हो गया 40, ये लीजिए 40, कितना हो गया हमारे पास 40, आप भी टोटल करके देखिए, देखिए 40 ही आ रहा है क्या, ठीक है। फिर इनका टोटल करेंगे, इनका टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल करके देखिए, इनका टोटल आ जाएगा हमारे पास ही 618, कितना आ जाएगा 618, टोटल करके देखिए, टोटल आ जाएगा 618। फिर सूत्र वही हमारे पास, समांतर माध्य ज्ञात करने का, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई, ये वाला आपको सूत्र में बस मान रखना है जो ज्ञात किए हैं। सिग्मा एफ एक्स आई का मान कितना है 618 और सिग्मा एफ आई का मान है 40, ये लीजिए बताओ ईजी ना। देखो अब आपको 40 का भाग देना है किसमें, 618 में। आप इसको और भी सरल कर सकते हो, देखो कैसे सरल करने का तरीका, देखो इसमें आप भाग दो, दो से काट लीजिए, सबसे इजी तरीका, दो से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 309, कितना आ जाएगा 309। अब नहीं कटेगा ये, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, फिर लिख लेंगे इसको अलग से, 309 बटे में 20 आ गया आपके पास, ईजी है ना। अब देखिए करना क्या, आपको 20 का भाग देना है किसके अंदर, 309 में, तो 20 का भाग ना देकर हम किसका भाग दे लेंगे, 2 का दे लेंगे और एक पॉइंट आगे किसका देंगे, बस हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप देखिए भाग देखिए, देखिए कितना आ रहा है, 309 के अंदर 20 का भाग दीजिए, आपके पास आ जाएगा 15.45, कितना आ जाएगा 15.45, ये आंसर निकल कर आ जाएगा। जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 एक कम 2, 1 रह जाएगा, 2 5 10, ठीक है, और फिर 2 4 8, फिर 1 रह जाएगा, 2 5 10, तो पॉइंट यहाँ आएगा उसके अनुसार, लेकिन ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना हमारे पास, क्योंकि बट्टे में 1 10 भी तो था, तो आंसर आ जाएगा इसका 15.45, इसका ये आंसर निकल कर आ जाएगा। अब 17.3 का क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 3, सेम वही मेथड है, वही तरीका, देखिए कैसे हल करते हैं इसको। हाँ तो एक्स आई का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सोच लिया होगा दिमाग के अंदर, एक्स आई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को हम जोड़ देते हैं और उसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो हमारे पास एक्स आई के मान निकल कर ही आ जाते हैं। तो बिल्कुल आसान है, देखिए 100 और 120 को जोड़ा, 220 का आधा कितना हो गया 110 हो गया। अब मैंने आपको एक मेथड और बताया था इसके अंदर, ठीक है, क्या कि पहला वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेंगे, फिर उसमें क्या जोड़ेंगे हम आगे के जो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए उसमें क्या जोड़ेंगे, वर्ग अंतराल। तो बिल्कुल आसानी, वर्ग अंतराल सतत है हमारे पास, 100 से लेकर 120 है हमारे पास, ठीक है, यानी 20-20 का वर्ग अंतराल चल रहा है सबके अंदर, वर्ग अंतराल कितना चल रहा है, वर्ग अंतराल चल रहा है हमारे पास 20-20 का। तो अगले वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए इसमें 20-20 जोड़ते चलिए, 110 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 130, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे 150, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे 170, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो 190, आप करके देखिएगा, ठीक है ना, आपको आ जाएगा, यही आएंगे आज सर भाई। देखिए 100 और 120 को जोड़ेंगे, 220 आएगा, 220 का आधा 110, फिर देखिए 120 और 140 को जोड़ेंगे, 260 आएगा हमारे पास, 260 का आधा कितना हो गया 130, फिर 140 और 160 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 300, 300 का आधा कितना होता है 150, फिर 160 और 180 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 360
सत्तर चालीस जोड़ के देख लो आप, जस्ट उसका आधा ही वही आएगा, 170 ही आएगा। 180 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 380 आ जाएगा। 380 का आधा कितना आ गया हमारे पास, 190। अब करना क्या है हमें, एफ आई के मान और एक्स आई के मानों को हमें क्या करना है, आपस में गुणा करना है। यहाँ देखो, एफ आई एक्स आई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई के मानों को हम आपस में गुणा कर देंगे। देखो कैसे, ये 10 गुणा होगा 110 से, तो देखो ये 10 तो है ही, 110 वाला एक जीरो लग जाएगा, ये लीजिए। फिर 13 दूना 26, देखो दो जीरो तो वैसे भी आएंगे ये वाले, और 13 दूना 26, ये लीजिए 26 हो गया हमारे पास। फिर 20 गुणा होगा 150 से, भाई दो जीरो तो वैसे भी आएंगे, ठीक है, और 15 दूना 30, ये 30 हो गया। फिर एक जीरो आएगा हमारे पास, ये लीजिए जीरो है ना हमारे पास, और 15 सत्य कितना होता है, 105, 105 का 5, हासिल का 10, 15 और 10 कितना हो गया 25, गुणा करके देखिए आप, ठीक है आ जाएगा आपका भी। फिर 5 का फाड़ा 0, ये 0 आ गया, ठीक है, 5 को 9 से गुणा करेंगे 45, 5 ना 45 होता है ना, हासिल के 4, 5 एक 5, 5 और 4 कितना हो गया 9, ये आ जाएगा हमारे पास 950। गुणा करके देखिए हमारा बिल्कुल गुणा सही है कि गलत है, फिर इसका टोटल करिए आप लोग, टोटल बिल्कुल आसान है, देखिए 5 और 15 हो गया 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 10 70, ये तो हो गया हमारे पास 70। और इनको टोटल करके देखिए आप, इकाई के अंकों को दाई के अंकों को, तो देखो इकाई का अंक आपके पास सारे जीरो हैं, शून्य, कितना जाएगा शून्य। फिर दाई के अंकों में देखो शून्य शून्य शून्य, 5 और 5 10 का भी शून्य, ठीक है। फिर सैकड़ा के अंक देखो आप, सैकड़ा के अंक कितने हमारे पास ही, 9 और 5 14 14 और 6 20 20 और 1 21, 21 और 1 22, 22 के 2, हासिल के 2। फिर आ जाइए आप 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, कितना हो गया 10, यानी 10,200। इनका टोटल कितना हो जाएगा 10,200। फिर मान रख दीजिए समांतर माध्य ज्ञात करने का वही सूत्र हमारे पास, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, यानी आपको 10,200 में भाग देना है 70 का, किसका भाग देना है 70 का। तो ऊपर का एक शून्य नीचे के एक शून्य से कट गया, आपको भाग देना है किस में, 1020 में भाग देना है 7 का, तो बिल्कुल आसान है, देखो 7 एक कम 7 कितना रहा 4, 7 छिंग 42 यही तो रहेगा, 10 में से 7 के 3, सॉरी 3 बचेंगे, ठीक है ना, यहाँ रह जाएगा आपके पास 3, तो 32 आ गया आपके पास अगला उतारने पर, तो 7 चौक 28 होता है, ये लीजिए, और हासिल ले लेंगे 12 में 60 के 4, 7 पंजे कितना होता है 35, 7 पंजे कितना हो गया 35 हो गया आपके पास, ये लीजिए 35। अब नहीं जाएगा, ये 5 रह गया ना, तो अब तो पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, 7 और 7 49, फिर 1 रहेगा, 7 और 7 49 फिर 1, यानी 145.71 लगभग इसके आंसर आ जाएंगे। भाग देखिए देखिए आप लोग कितना आ रहा है, देखें 145.71। डस्टर डस्टर डस्टर, इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 145.71, ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास निकल कर ही आ जाएंगे। देखिए हमने इससे पहले वाली वीडियो में ही प्रत्यक्ष विधि सीखी थी, उसके अंदर भी यही मेथड था हमारे पास,
इसके अंदर देखो याद रखने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहली बात, आपको सूत्र बढ़िया तरीके से याद रहना चाहिए। सूत्र जो हमारे पास है वो एकदम बढ़िया तरीके से आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र अलग है और कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र अलग है, और पग या पद विश्लेषण विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र जो है वो अलग है। तो आप तीनों सूत्रों को, आपको तीनों सूत्र याद ज्ञात करने पड़ेंगे। तो आप प्रत्यक्ष विधि से बिल्कुल इसको ढंग से याद कर लीजिए। प्रत्यक्ष विधि से क्या होता है हमारे पास, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई, ये होता है हमारे पास सूत्र। तो ये मेथड आज हमने सीख लिए। अब हमारे पास 17.3 के 5 सवाल, 3 सवाल हो चुके हैं और इसमें हमें 6 सवाल दे रखे हैं, यानी अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 5 करेंगे और 6, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमें सरल करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं, ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी मित्र लोग हैं या अपने फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्किल है जो कक्षा 10th में बच्चे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स के नंबर, फ़ोन नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर हैं, तो उसके अंदर आप शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस निःशुल्क पढ़ाई का लाभ उठा सके। और आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।